Assalamualaikum, hi, this is BK Vibhani Devlogs. Welcome back to my YouTube channel. So guys, since I'm like to my last of my vlog, second last vlog, मैंने बोला था कि मैं आपको एक news दूंगा जो कि अनहोनी गुजर चुकी है, हो चुकी है. It's a bad thing actually, but क्या कर सकते हैं, कराची हाइट्स इस वजह से है. तो उसके अंदर क्या हुआ था कि मेरी हो गई है बाइक चोरी. जी हाँ, बाइक हो गई है चोरी भाई. और वो भी कहाँ से हुई है कि आपके भाई के अपने घर के गेट से, दरवाजे से लिटरली. मतलब मुझे तो समझ नहीं आया, इससे ज़्यादा सेफ जगह कोई होती ही नहीं है. अपने दरवाजे से लेके चले गए. मेरी गलती उसके अंदर ये है कि मैंने लॉक नहीं करी होती है, सिर्फ इतनी सी गलती है. ऐसे जो उसके अंदर क्या था कि सीन ऐसा हो गया, मैं सुबह गया मैच खेलने के लिए, जो कि मेरा सेकेंड क्लास हो गया वहीं का. मैच खेल के वापस आया मैं और सुबह हम दो साथ थे. मैं वापस आया, आने के बाद मैंने बाइक खड़ी की. बाइक खड़ी करने के बाद अराउंड एक कोई 11 बजे थे, 11:30 बजे खड़ी करी मैंने. उसके बाद मैं चले गया अंदर. उसके बाद गर्मी भी होती उसके बाहर दोबारा निकलना था पानी. और भी मैच शाम में भी नहीं था, ऐसे था मतलब मैं उसको मना कर रहा था. और मैं सोचा मैंने क्यों मना खा. खैर बाइक वाइक खड़ी करके मैं चले गया अंदर. गर्मी इतनी आया वाया खाना वाना खाया बैठा तो रेस्ट करा. तो 3 बजे के करीब, नहीं 5 बजे के करीब था, इस तरह हुआ कि नीचे दरवाजे देखने जाने थे डिज़ाइन दरवाजों पर. तो मैंने बोला चलो, मैंने कहा ओके चलते हैं. तो निकलने लगा तो मैंने अचानक देखा और मेरा मतलब सांस खत्म, लिटरली ख़त्म हो गया. मैंने देखा कि नीचे बाइक ही नहीं है. और मम्मा ने भी देखा और उसको ऐसा लगा कि एकदम से वो हड़बड़ी वाली कि कहाँ गई कहाँ गई. मैंने एक दो गलियों में देखा, फिर मैं समझ गया भाई इसकी नमाज़ पढ़ी गई है, ये मिलने वाली है आपको छुट्टी. मैंने बिल्कुल एक दो हाथ पाँव मारे, जहाँ जहाँ देख सकता था वहाँ देखा. जहाँ जहाँ बाइक खुल सकती थी या जहाँ जा सकती थी जो वहाँ देखी. कोने वगैरह जो भी होते हैं अपने आप पर फर्ट पूरी करते हैं, तो वो मैंने कर ली. बट उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ. तो मैं वापस जब घर पर आया तो मुझे मेरा पड़ोस नहीं किया. उसने मुझे बोला कि सर पहले ये 3 बजे देखा था कि यहाँ पर बाइक नहीं है, 3 बजे के टाइम पर बाइक तो नहीं. ओके, इसका मतलब दैट मीन्स वो बंदा तार में खड़ा हुआ था लास्ट टाइम कि मैं उसको पता था मेरी बाइक में लॉक नहीं है. और मेरी बाइक में लॉक नहीं था, डायरेक्ट भी थी एक तरह से, मतलब चाबी लग जाती थी. लेकिन आजकल इग्निशन का क्या है जमाना है, मतलब और तो कोई भी देख के जा सकता. फिर क्या हुआ कि 3 बजे भी नहीं थी, तो मैं समझ गया कि भाई ये कार्रवाई हो गई है 11:30-12 के बाद. और 3 से पहले यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे. अगर CCTV फुटेज की बात आई तो CCTV लगा हुआ नहीं था गली में. अब क्या करें कि CCTV जो लगा है वो थोड़ा सा दूर करके लगा हुआ है. वो डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ तो अगर कुछ मोहल्ले में जाएगा तो वहाँ से देखेंगे, यहाँ अगर कुछ मोहल्ले में जाएगा तो वहाँ से देखेंगे. बस उसके बीच में इतनी गली है, कहीं भी मुड़ सकते. तो मैंने वहाँ देखने की जहमत नहीं की. फिर कोई आराम रात को 8 बजे की गली में थाने गया. यस, लगता है हमें गली में. तो उसमें गया, वहाँ जाकर मैंने उनको कंडीशन बताई, सिचुएशन सारी. पहले तो मैं 15 पर कॉल करती भाई कि इस तरीके से मेरी बाइक हो गई है और बताया मुझे रिपोर्ट थाने कंप्लेन करनी है. तो उन्होंने बोला थाने चले जाएँ, आपको थाने से कॉल आ जाएगी. मैंने कहा ओके. तो ऐसे ही और थोड़ी देर में थाने से कॉल आ गई. कॉल आने के बाद क्या होता है कि भाई मुझे बुलाते हैं, बोलते हैं आप थाने आ गए. मैंने ठीक है, अगर बाइक में है नहीं कैसे आप. फिर मैंने देखा अरेंज करके बिलाल की बाइक लेके मैं चला गया थाने. वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने उनको सिचुएशन बताई. तो उन्होंने बोला अच्छा आप ऐसा करें ना, मुझे 10 बजे तक हम लिखते हैं आपकी रिपोर्ट. अभी वो उस बंदे ने लिख दी, वो बंदा नहीं है, वो कहीं गया है, मतलब किसी काम में बिजी है सच वगैरह. सर ओके, होता है ऑब्वियसली, फारिग तो नहीं बैठी पुलिस भी इतना काम करती है आखिर हमारा. तो मैं वेट करा थोड़ा सा, उतनी देर में ये हुआ कि आ गए. तो मैंने अपनी रिपोर्ट लिखा दी, कच्ची रिपोर्ट लिखा दी अच्छी. तो उसके अंदर पूरे इन्होंने नाम नंबर गाड़ी का नंबर और ये लिखा. गाड़ी का ब्लैक कलर की सुपर पावर 2017 का मॉडल था. कंडीशन भी मिंट कंडीशन थी. SH मैंने कहूँगा कि बहुत भी SH नहीं कहूँगा, बहुत ही गंदी सही थी कंडीशन. ब्लैक कलर का कवर लगा हुआ था, बाइक भी खुल गई होगी, कवर वगैरह कहाँ जाता है इस तरह. तो इस तरह का इंसिडेंट पेश आया. अब उसको गुजर चुके हैं अराउंड 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और मैं अभी तक सर्चिंग मोड पर हूँ कि भाई बाइक आएगी कहाँ से. मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि 70 लूँ 125 लूँ क्या लूँ. 70 दे रहा हूँ तो पुराना मॉडल बिल्कुल ही दिल कर रहा. नए मॉडल के रेट से इतने हाई करे हुए. अब 70 का मैं अगर 22 का उठाता हूँ तो उतने में 2019 भी आ जाती. क्या करें बंदा,
मैं समझ नहीं पा रहा, आप लोग मुझे बताओ या रेकमेंड करो, अगर किसी के पास बिकने वाली है तो काइंडली कमेंट में बता दो ताकि मैं आगे देख लूँ। और रिमेंबर वन थिंग, आई ओनली वॉन्ट होंडा, होंडा CT 70, होंडा CG 125, यही दो ऑप्शन है मेरे, और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास चाइना है कुछ भी है तो आप काइंडली कर दो कमेंट बता दें, बट ऐसे उसको फ़ायदा नहीं होने वाला। मुझे चाहिए होंडा, आपके किसी रिलेटिव के पास है जो भी बता दें, वरना मेरे नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, 0343-284-9249। एंड अगर आपको वो बाइक नज़र आ जाती है कहीं भी, जो कि इस तरह है कि पूरे रेगिस्तान में एक बाल ढूंढने के बराबर वाली बात है, फिर भी नज़र आ जाती है, तो काइंडली काइंडली मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेम जो नंबर अभी है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा या लिखा होगा, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो भाई इट्स अ बेसिक थिंग, एक्चुअली बेसिक नीड है हमारी बाइक की, जो कि ज़रूरी है, मिल जाती है तो बेहतर, वरना फिर किसी का बिकने के लिए तो भी मुझे बता दें। चलते हैं फिर इसी के साथ अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं। एक्चुअली इट्स नॉट अ ब्लॉग, इट्स अ बैड थिंग जो कि गुजर चुकी है मेरे ऊपर से। खैर कोई बात नहीं, शायद अल्लाह ताला ने किसी बड़े जो है नुकसान से बचाने के लिए ये छोटा नुकसान कर रहा है, ऐसा छोटा भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अफोर्डेबल है, नो इशूज़, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा, क्या पता अल्लाह ताला ने कुछ और सोचा हो, उस वजह से ये सब हुआ है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए डू सब्सक्राइब, इस दुखी माहौल में भी भाई डू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। I'm gonna go get some more.